और नेहा का शॉट, लेकिन तालियां तो होना चाहिए इस गोलकीपर का भी। नेहा का शॉट लेकिन रोक लिया है गोलकीपर रानीगंज के ज्योति सिंह ने। और इस तरह से पहला शॉट यहां पर, माफ कीजिएगा, यहां बांकुड़ा की गोलकीपर सुलता पद्मासो, और उसके माध्यम से पहला शॉट को रोका गया है। और नेहा का शॉट, नेहा अच्छी प्लेयर है, मैंने उनको देवघर की टीम से भी खेलते हुए देखा है, बड़े चर्चित फुटबॉलर है, लेकिन जिस जगह पर शॉट लगाई थी गोलकीपर सेम जगह पर निकल गए और डायरेक्ट लगाती भी गेंद को रोक ली थी। और अब ज्योति सिंह रानीगंज के गोलकीपर, और उसके सामने है बांकुड़ा के पहला खिलाड़ी स्ट्राइक लेने के लिए। बहुत सुंदर टीम के कैप्टन का ये गोल, बांकुड़ा 1-0 की बढ़त के साथ। पहल नोड़े नको हरियर लील वाला टीम को गोल कदम नाते खोई बोनियल को आप रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी टीम चेक पॉइंट ओकोटा टीम नोड़े खोई को जीतते बाद चिदाजे बनार से खोई पुपुन गोटे खिलाड़ी बिना हुआ और नुआ ट्राइबर कर दो मीटे न्यू थोड़ा लिखा कदा 5 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी मुस्कान खान सेकंड स्थान पर शॉट के लिए आई है। खेल तो बहुत सुंदर खेल रही थी फुलबैक से, कद ऊंचाई काफी लंबी है। और इसी के साथ गोलकीपर यहां पद्मा ने एक और सेव कर ली और इस तरह से बांकुड़ा टीम के लिए इस मुकाबले में पकड़ को मजबूत करती हुई बांकुड़ा रन गोलकीपर बबार था बंचाद और बंगाल वाला और नोटे को नेलदा रानीगंज टीम लगातार नोड़े गलती हुई तो नेलबोन चेलेका नोड़े पसे गोलकीपर रे चेंजिंग हुई करा मुस्कान खान गोलकीपिंग लगे है करा और कोई रेगुलर गोलकीपर करा ज्योति सिंह उन्हें तो थोड़ा आराम हो लगे को मिटा दिया आदित्य नुते खोय नेल बोल सेकंड गोल दगा गाड़िया करा शिवम खतरा बांकुड़ा रन 12 नंबर जर्सी और डी बेहतरीन गाते ही करा सुष्मिता बेहरा सेकंड गोल को दो टीम लगे गोल ले और ये गोल क्या बेहतरीन शॉट लगाई है कि वहां तक गोलकीपर का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। और इस तरह से अभी भी 2-0 की बढ़त बीएसजेपी फुटबॉल एकेडमी खतरा बांकुड़ा वेस्ट बंगाल की टीम धीरे धीरे उनका पकड़ इस मुकाबले में और ज्यादा मजबूत होता हुआ नेलबोन चिल करा नवा शॉट यार हो नतीजा हुई दड़िया करा जर्सी नंबर 10 नाते को है करा नहीं तो चिल करा शॉट लगाओ दा फुटबॉल रिया अड़ी जानकारी बनाता है यार जानकी मुंडा काबिलियत रखती है। और ये शॉट लेकिन इस बार भी गोलकीपर ने जज कर ली थी पद्मा थोड़ा सा वहां डाइव लगाने में थोड़ा सा लेट कर गया अन्यथा रोक सकती थी लेकिन उसकी किस्मत रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की टीम की उनका गोलकीपर के नीचे से गेंद अंदर चली गई और इस तरह से एक खाता खुल चुका है। और खतरा बांकुड़ा बंगाल की तरफ से यह तीसरा शॉट होगा नेलबुनवा तीसरा शॉट 15 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी सीमा कुमारी अब देखना है गोलकीपर को भी अब बचाना होगा रानीगंज के जो बदलाव के तौर पर आई है। और ये शॉट और खूबसूरत गोल बांकुड़ा की टीम 3 में 3 गोल कर चुकी है और रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी 3 में 1 गोल मात्र हुआ है लेकिन अब चौथा शॉट रानीगंज गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी टीम की ओर से यहाँ भी गोल दागना होगा लेकिन यहाँ पर पूजा कुमार ने जिस तरह से खेल दिखाई थी 11 नंबर जर्सी पहने भी 2 गोल जिस तरह से कर दिखाई है लेकिन पूजा कुमारी ने जरूर लोगों को आप दिल को जीता है। और ये शॉट और शानदार गोल और ये शॉट अब बांकुड़ा की ओर से वो विनिंग शॉट हो सकता है। 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मोनिता कुमारी अगर यहाँ गोल दाग देती है तो खतरा बांकुड़ा की टीम क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर राउंड में। अब आपकी बार यहाँ भी गोलकीपर में लगातार बदलाव नए गोलकीपर इस बार आई है अब क्या वो अपने टीम को बचा पाएंगे या नहीं
नुड़े बाखुड़ा रेन ग्यारह नंबर परोका मनीता कुमारी गोल दस जी हाँ मेनखान नुड़े बचला थोड़ा गन बाहर दे और इस तरह से रानीगंज फुटबॉल एकेडमी की टीम अभी भी उम्मीद जिंदा है अभी भी इस मुकाबले पर। अब देखना है वापसी करने के लिए रानीगंज के पांचवें स्थान पर खिलाड़ी इस समय आती हुई शॉट लगाने के लिए बहुत सुंदर खेल दिखाई है रोशनी ने और देखना है अपनी टीम की जो जो धीरे धीरे जो लड़खड़ाती हुई पारी को संवारने के लिए इसमें रोशनी एक नए रोशनी लेकर अपने टीम के लिए एक चिराग बनकर आई है। रोशनी बास की नुआ पांचवा शॉट रानीगंज टीम नुआ अगर गोल एकंखा तीसार गोल हुई हुआ बनार नुका किन कोयो रे पाव ना जे पोटा किन जितो आ बुझे बा नमकड़ा हार नोडे है और गोल हार रोशनी बास की घड़ी मौज है गोल के दा तराम बढ़ाए थे बहुत कुछ नियल तो मैं ना मैंने कहा घुड़ा की तरह ना इसी मैंने कहा टीम मुझे गति के ना रोशनी है लता अब्दुल के दा ये कहता था मैदान उतर रहे नितो नुआ मैच हो नुआ शॉट हो मैच रे जीते वाला शॉट करा ये भी जीतने वाला शॉट है यहाँ भी गोल होगा तो बांकुड़ा के पक्ष में मुकाबला चला जाएगा और ये शॉट और इस तरह से यहाँ पर बहुत दूर पे गजुरन तीन बुझे की तरफ से कोबरा छा और सीधा नुका इन शॉट के दाजे हमते नहीं गोल कीपर में ना कटा तीन रोल ताकि इन्हें बॉय बॉय शॉट करा और बनार की पांच पांच रन दो बराबर और जीवनदान मिलता हुआ रानीगंज की टीम। एक समय तो लग रहा था कि रानीगंज की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर निकलने के करीब है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और किसने सोचा था ये मैच शुरू से ही उठा पटक बना रहा। मैच में भी दो गोल से रानीगंज बढ़त बना रहे थे तो लग रहा था कि रानीगंज जीतेगी लेकिन दो गोल से रिटर्न करने के बाद मैच फिर इंटरेस्टिंग हुआ। इस मैच में भी वही चीज हुआ सडन डेथ में ये गोल आठ नंबर जैसी पड़े हुए खिलाड़ी और प्रिया कोड़ा ने गोल दागी है और अब जर्सी नंबर थ्री पहनी हुई खिलाड़ी अंकिता सिंह इस बार जाती हुई बांकुड़ा की तरफ से यहाँ लगोन चील के ना सोटे लगा हुआ है माँ बड़ी पूछे कर क्या नौ बेच को मैं ता नहीं हो जितो भनी हो जितो बना क्यों ना बना रहे टीम भी फेवरेट और इन्हें कोई टीम के ना किन जे मुझे बांग यमों के ना कोई टाको हरा भी बांग चिता जे बना की मोने जीवी किन जितो उत्तर के ना कोई तो जुलोडिया कोई तो रुलोडिया बला सिचुएशन है क्या ना नुटे कोई टाको जितो वा कोई टाको हरा वा तीन नंबर जर्सी अंकिता सिंह मुई है तिंगू कटाई ना